सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ड्यूक 390 अपनी लूसीफर में, और आज मैं इसमें कराने वाला हूँ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में टैंक पैड लगते हुए, एंड मैं कुछ आप लोगों के लिए थंबनेल ले रहा हूँ अभी। तो देखो ये सब कैसा लग रहा है लूसीफर के लिए टैंक पैड, यहाँ पर लगेगा ऐसे या ऐसे, ऐसे ठीक है। पैर के हिसाब से देखूंगा आपके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डीएनए राइडर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ड्यूक 390 अपनी लूसीफर में, और आज मैं इसमें कराने वाला हूँ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन जो कि अपने बजट में आ जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि ज़्यादा बजट से बाहर चले जाए, तो मैं पैसा बर्बाद नहीं करूँगा, तो पैसा बचाएंगे हम लोग। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब हो जाएगा तो हो जाएगा, देखते हैं भाई का सीन क्या होता है। अभी मेरे को जाना है फिलहाल चांद भाई की दुकान में राजपुर रोड की तरफ, तो लेट्स सी क्या सीन होता है। एंड बाकी ट्रैफिक से निकलते हुए अभी हम लोग तो एक छोटी सी विली ढंग से नहीं हुआ, ग्लव्स पहन रखे हैं, ग्लव्स में आदत नहीं है विली मारने की। जैसे ढंग जैसे मैं थ्रॉटल देने के लिए गया था तो गाड़ी लैंड ही हो गई नीचे। और ये ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि इसकी ग्रिप ना निकल के हाथ में रंगती है और काला काला हो जाता है हाथ। किन किन को प्रॉब्लम आ रही है ड्यूक 390 में, यही वाली कि ग्रिप का, जब तुम गर्मी में चला रहे हो तो ग्रिप का रंग है वो निकल के तुम्हारे हाथों में लग जा रहा है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे ताकि ग्रिप घिसे ना। एंड जब ग्रिप घिसती है तो अब दिगास सीन हो जाता है। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं 6 नंबर पुलिया, देखते हैं बाकी का सीन क्या होता है। अभी हम फिलहाल के लिए राजपुर रोड, उसके बाद यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना देहरादून में भाई, लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल परसों ही ओवर हीट हो गई थी ड्यूक, मतलब इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर। और अभी सोच रहा हूँ मैं तैरने की जगह पे, ये देखो राइडर, बाकी छोड़ो अब चलते हैं एंड इसमें मॉडिफाइड करते। पता नहीं चांद भाई की दुकान खुली होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर मुल्ला बिल्डिंग जाएंगे। और मुल्ला बिल्डिंग में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती कि लोग ना ज़बरदस्ती खींचते हैं कि हमारी दुकान में आओ, हमारी दुकान में आओ, हमारी दुकान में आओ, तो वो मुझे बेकार लगता है यार। बाकी जिसकी दुकान में जाना होगा देख लेंगे, पहले तो मैं चांद भाई की दुकान में ही जाऊंगा, अगर वहाँ मिल गया सामान तो बल्ले बल्ले वहीं से ले लेंगे, अगर नहीं मिला तो कहीं और जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, गर्म हो रहा है इतना ज़्यादा, मन नहीं कर रहा है ड्यूक 390 जैसी गाड़ी को इतने गर्म में चलाने का। जो टेम्परेचर हो रहा होगा ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा शायद देहरादून का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं क्या सीन है, अभी देखते हैं। बाकी का चले जा रहे गधों की तरह। ओ बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, आपके भाई का बर्थडे आने वाला है, आज है 12 अप्रैल एंड 14 अप्रैल को है डीएनए राइडर उर्फ मतलब कि मेरा बर्थडे, तो मेरा बर्थडे आ रहा है जल्दी, लेट्स सी क्या सीन होता है। अरे यार ये हाथ से ना छूट रहे ग्लव्स, तो सॉरी क्लच वगैरह सब छूट रहे, आदत में रही इन वाले ग्लव्स की ना फिसल रहा है हाथ। वही पहुंच चुके हैं हम फाउंटेन चौक के पास 6 नंबर पुलिया से, एंड आगे चल रही है होंडाई की गाड़ी, कितना नाम क्या कोई पता नहीं है, होंडाई है शायद, हाँ इसको लिखा है होंडाई कोई, ग्रैंड आई-10। ओके यार मुझे कारों का इतना आइडिया नहीं है, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में बताते रहे करो जब भी मैं पूछता हूँ। अरे बाइक के बारे में A to Z पूछ लो, कार के बारे में A to Z बिल्कुल नहीं पता। तो बाकी पहुंच चुके हैं हम फाउंटेन चौक, एंड मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है राजपुर रोड पे जाम मिलने वाला है, बहुत गंदा वाला, तो इसलिए वही सोच रहा हूँ मैं कि तो जाम ना मिले राजपुर रोड पे। एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना एक आगे देख के चलाना चाहिए, कार वाले ने ब्रेक मार दिया था। बाकी पहुँच चुके हम फाउंटेन चौक, एंड ये देखो यहाँ पर रेड लाइट लगी है यहाँ पर, अब पता नहीं कितने मिनट की लगी है, शायद अभी भी लगी है मुझे लग रहा है क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आ रही है। गाइस जा रहे हैं अभी हम चांद भाई की दुकान, बट चांद भाई की दुकान तो बंद है, तो अब मुल्ला बिल्डिंग ही जाना पड़ेगा, बट गर्मी इतनी लग रही है ना भयंकर, गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं। ओ क्यूट गर्ल रिएक्शन, थैंक यू गर्ल रिएक्शन गाइस। अब जाना पड़ेगा मुल्ला बिल्डिंग,
क्या गर्मी इतनी तगड़ी हो रही ना, बिन कार के एसी के बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ऊपर से ये गर्म वाला हेलमेट, अंदर से इतना गर्म हो जाता है ना ऐसे हेलमेट्स, जितना अच्छा हेलमेट होगा ना क्वालिटी में उतना गर्म होता है वो अंदर से। ये चीज़ भी है, और अंदर से मेरे बाल बूल सब पसीने से लथपथ हो रहा हूँ अंदर से पूरा। एक बार ना जाम देखो कितना तगड़ा जाम हो रहा है, लिटरली आंसू आ रहे हैं मेरे इस जाम पे। बट यू हैव अ 390 सो यू कैन ईजिली गैप इन दिस जाम यार। बट गर्मी का क्या करें, गर्मी इतनी लग रही है ना देहरादून में, बैंड बज रही है गर्मी से। बट ऊपर से जाम, ऊपर से गाड़ी, सब गरम गरम हो रखा है सब। और अभी हम देखते हैं कहाँ जाते हैं फिलहाल, कभी तो जा रहे हैं खैर मुल्ला बिल्डिंग। आंटी पीछे देख के चल रही है मस्त। उपसी डुपसी, क्या हो गया आंटी पीछे क्यों कर रहे हो? अच्छा उधर जाना है। आंटी मारते भैया टैंक ग्रिप चाहिए थी, टैंक ग्रिप। टैंक ग्रिप हाँ, जो यहाँ पर होती है साइड साइड में ग्रिप के लिए। टैंक पैड तो यहाँ होता है ना बीच में, है। दिखाओ पहले कैसा है। देखो आते साथ ही थोड़ा ज़्यादा गाड़ी आए ना, बस कोई बीच में छोटे बड़े नहीं है भैया इससे है, ये साइज का ही है। और बड़ा नहीं होगा इससे, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। लग तो ठीक रहे खैर, लगने के बाद कितने कितने गए ये, सही सही लगा ना। कितने गए ये, बड़े नहीं है यार तुम्हारे पास इसे? लगने के बाद बड़े हो जाते हैं, इसका थोड़ा उधर का है। काज बताओ यार, सही तो लग रहा है वैसे, ग्रिप तो है। हाँ ऐसे ब्लू रंग में है जैसे ये रेड है ना, हाँ ऐसे है यार। गाड़ी के साथ मैच कहाँ करेगा ये रेड, क्यों नहीं कर रहे हो इस पर कर तो रहे हो और इनका। अरे हाँ सारे मैच मैचिंग लगाओगे भैया गाड़ी का लुक कैसा आएगा? अरे लुक ही तो नॉर्मली चाहिए यार, ये तो छपरी जैसा हो जाएगा। छपरी जैसा नहीं होगा भैया, आप लगाना। ये ब्लैक है ये पूरा, ये पूरा ब्लैक है। इसका वो कहाँ है ये वाला, ये ऐसा है ना भाई। अच्छा अरे तो ये अच्छे लग रहे हैं मेरे को। ये कितने वाले, ये 650 महंगे बता रहे यार थोड़े से तुम। ये तो ऑनलाइन तो मिल जाते यार ये 400-400 के ऑनलाइन में भैया, लोग पुरानी भी आ जाते हैं जैसे कि गाड़ी में आपने लगाया, ये आपने लगाया तो आप क्या, आपने 650 के लिए तो आप क्या करोगे ऑनलाइन डाल दोगे इसी डब्बे में पैक करके, ठीक है वो भैया पेंट हो गया पन्नी में डब्बे में पैक कर। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में टैंक पैड लगते हुए, एंड मैं कुछ आप लोगों के लिए थंबनेल ले रहा हूँ अभी, तो देखो ये सब कैसा लग रहा है। लूसीफर के लिए टैंक पैड ये ऐसे लगेगा कुछ, और यहाँ पर लगेगा ऐसे या ऐसे ऐसे, ठीक है पैर के हिसाब से देखूँगा आपके बैठते कैसे, बाकी एंगल वेंगल देख लेते। नी ड्रैग करने के लिए काम आना चाहिए ना ये, ऐसे करके यू में जाएगा तो सही रहेगा। कर रहा गाइस लग रहा है अपनी गाड़ी में क्या बोलते हैं टैंक पैड, एनली लीन मारते टाइम काम आएगा। साइड से लुक देखता हूँ क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, लग तो अच्छा रहा है।
पैसे खर्चा लगेगा कहीं। अच्छा अब स्क्रैच से, ओ भाई चचा उल्टी साइड से आ रहा है एकदम। मेरे को ना प्यास से भी लग रही है, तो थोड़ा देखते हैं फ्रूटी फ्रूटी पीता हूँ आगे जाके। नहीं गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी वाली। ठीक तो है, बस निकले ना क्या, बैठ के देखता हूँ एक बार। हटा जरा। अरे बहुत सही है यार, ग्रिप आ तो रही है। भाई लीन मार के देखे अब कैसा होता है यार। मुझे इसके ना लीवर गार्ड भी देखना है, अब आगे से ही देखते हो तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी आगे लगाता हूँ, पैदल चल के देखते हैं। लीवर गार्ड ब्लू रंग में। सो गाइस मैंने लीवर गार्ड तो लिए नहीं क्योंकि उनके पास थे नहीं, इसीलिए लिए नहीं। फिर मैं बाद में सोच रहा हूँ कि लीवर गार्ड रहने ही देता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते वैसे लीवर गार्ड। वो तो लोग आप लोग कह रहे थे इसलिए लगा रहा हूँ मैं लीवर गार्ड, बट मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उससे हो जाता है हैंडल लंबा और मैं चलाता हूँ एग्रेसिव राइड। अब जैसे मुझे जाम में अभी तो मैं चला नहीं रहा हूँ, नहीं तो ऐसे करना होगा ना, जब ऐसे नहीं कर पाता मैं, लीवर हो जाएगा हैंडल बड़ा और हैंडल बड़े हैंडल में मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। अभी गोबरो उड़ रहा है भयंकर, हवा के प्रेशर से ना ढीला हो गया। जैसे मैं ऐसा चला पा रहा हूँ ना, अगर लीवर लग जाएगा ना तो मैं बीच से नहीं निकल पाऊँगा। जैसे ऐसे निकला ना यूं करके, ऐसे नहीं निकल पाऊँगा मैं अगर वो लीवर लग जाएंगे तो। कमेंट सेक्शन में बताओ। और जब मैंने शीशे भी लगाए थे, शीशे तो बहुत बार गाड़ी से टकरा के टूट गए थे लोगों की, या फिर मैं खड़े खड़े गिरता था तो सबसे पहले वही टूटता था। तो व्लॉग को भी एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दी एंड बी सेम रेड्स एंड बाय बाय। सारे को मैं डिलीट करता हूं, लव यू, कीप स्टडी, कीप गोइंग, दिस इज योर डीएनए राइडर साइनिंग। चलो कम से कम टैंक पैड तो लग गए, बाकी चलो अब घर चलते हैं।